परिवार का मतलब होता है हर वार में जो साथ थे वो ही परिवार होता है। लंबे इंतजार के बाद वरुण गांधी चुनावी रणभूमि में दिखाई दिए। जिस सुल्तानपुर से वरुण की मां मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, वहां आखिरी दिन चुनाव प्रचार किया और सुल्तानपुर के लोगों से खून के रिश्ते की बात कही। हम लोग एक वादा करते हैं, नाली सड़क बिजली ये सब होता रहेगा, लेकिन हम वादा करते हैं एक खून के रिश्ते का वादा करते हैं कि सुल्तानपुर का कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होगा। वरुण गांधी 2014 में सुल्तानपुर से ही सांसद बने थे। 2019 में पार्टी ने पीलीभीत से चुनाव लड़ाया, लेकिन इस बार वरुण चुनाव नहीं लड़ रहे। वरुण ने लोगों के बीच पहुंचकर पुरानी यादें भी ताजा की। पहली बार आया तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू यहाँ लगी, लेकिन आज मुझे कहने में बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने मातृभूमि में आ गया। जनसभा में वरुण गांधी ने लोगों के साथ अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया और वादा किया कि सुल्तानपुर में हर शख्स की परेशानी में वो मौजूद रहेंगे। मैं अपना फोन नंबर अभी बोल रहा हूँ, सब लोग अपना फोन निकाल के मेरा फोन नंबर लिखिए। ये एक सुरक्षा कवच मैं आपको दे रहा हूँ, जिनके पास माता जी का नंबर है वो और भी बड़ा सुरक्षा कवच है, नहीं तो अगर कोई भी दिक्कत आए अधिकार स्वरूप मेरे से सीधे बात करें और अपनी समस्या मुझे बताएं। वरुण गांधी बात बात पर सुल्तानपुर के लोगों से पारिवारिक रिश्ता जोड़ते दिखाई दिए। यहां तक कहा कि चुनाव के बाद विरोधियों के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबका अधिकार हमारे परिवार के ऊपर है, यहाँ पे कोई हमसे अलग नहीं। मैं आपको बताता हूँ, पूरे सुल्तानपुर में एक भी व्यक्ति से हमारे कोई गुस्सा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारे सामने भी जो चुनाव लड़ेंगे बाद में अगर वो भी बीमार पड़े, सबसे पहले हम ही उनकी मदद करेंगे। किसी से कोई बैर नहीं। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि पार्टी से टिकट न मिलने के बाद वरुण गांधी आगे क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब मेनका गांधी ने दिया और बताया कि बीजेपी में ही वरुण गांधी का भविष्य उज्जवल है। वरुण का भविष्य आगे का क्या देखती हैं? बहुत ही उज्जवल है। इसी पार्टी में उज्जवल है या कहीं और भी जा सकते हैं? नहीं, इसी पार्टी में। लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि MPs ही पार्टी होते हैं, लेकिन एक पार्टी में 1 करोड़ लोग हैं, उनमें से 200-300 ही तो MP हैं या 400, उसके अलावा भी तो लोग होते हैं बेटे। जो लोग चलाते हैं पार्टी वो अक्सर पार्लियामेंट में नहीं होते हैं। सुल्तानपुर में 25 मई को छठे चरण में मतदान है। पिछली बार इस सीट पर कांटे का मुकाबला था। अब 4 जून को ये तय होगा कि सुल्तानपुर में किसका सिक्का चलने वाला है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।